सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शावर ऑफ इंग्लिश। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो हैं आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड। यस, मैं बात करने वाला हूँ आज ब्रांड के बारे में कि आप ब्रांड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं और उनका एग्जैक्ट और एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये वीडियो है आपके लिए अगर आप भी इन ब्रांड्स को प्रोनाउंस करते हैं, एडिडास, रीबॉक, गुच्ची, वर्सेज, हेरमेस एंड चैनल। ब्रांड आपने कहीं सुने हो या ना सुने हो, बट लोगो आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखा होगा। और मैं आपको लोगो के साथ उन ब्रांड्स के नेम को बताने वाला हूँ और कैसे उसको प्रोनाउंस किया जाता है, और ये है LV। तो अगर आप इन ब्रांड्स को प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो मैंने इस वीडियो में बहुत सारे सॉन्ग्स को अप्लाई किया है जस्ट बिकॉज आपको इजीली याद हो जाए। तो बात करते हैं पहले ब्रांड की। तो पहला ब्रांड है गुची, इटली का ब्रांड है। इसको प्रोनाउंस किया जाता है गुची, राइट। तो अगर गुच्ची आप बोलते हैं तो वो गलत प्रोनाउंस होता है, राइट। सो गुची के लोगो होता है ऐसा, और इसके बैग्स आते हैं, शूज आते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। सेकंड ब्रांड की बात करते हैं D&G। तो आपने इसका लोगो देखा होगा एक्चुअली में। तो इसका फुल नेम है डोल्चे एंड गब्बाना, राइट, डोल्चे एंड गब्बाना। तो आप इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, डोल्चे एंड गब्बाना, राइट, डोल्चे एंड गब्बाना। तो इसके शूज एक्चुअली बहुत फेमस हैं। तो नेक्स्ट ब्रांड की बात करते हैं टॉमी हिल्फिगर, राइट। तो ये USA का क्लासिक अमेरिकन कूल स्टाइल है, बहुत फेमस ब्रांड है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, राइट। सो इसका प्रोनंसिएशन सिंपल है, टॉमी हिल्फिगर, राइट। ये फिगर इसको पूरा नहीं बोलेंगे आप, टॉमी हिल्फिगर। तो इसके टी शर्ट्स, पैंट्स, जीन्स एंड सनग्लासेस एंड शूज, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राइट। नेक्स्ट ब्रांड की बात करते हैं, ये भी ब्रांड आपने कहीं देखा होगा, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो ये इटालियन ब्रांड है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है वर्साची, राइट, वर्साची, वर्साची। तो इसके एक्चुअली स्लीपर्स, सैंडल्स एंड परफ्यूम एंड टी शर्ट्स, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे वर्साची। नेक्स्ट ब्रांड की बात करते हैं चैनल, नहीं, इसको प्रोनाउंस करेंगे चैनल, राइट। तो ये ब्रांड है फ्रेंच का, ये परफ्यूम, ड्रेस एंड बैग्स बनाता है, राइट। इसको आप प्रोनाउंस करेंगे शैनल, शैनल। तो इसके बैग्स, परफ्यूम फेमस हैं, तो इस चीज के लिए ये ब्रांड जाना जाता है। तो इसका लोगो एक्चुअली आपने कहीं मूवीज में या किसी सॉन्ग्स में सुना होगा, शैनल, राइट। नेक्स्ट ब्रांड की बात करते हैं LV। LV आपने बहुत सारे गानों में सुना होगा, मैं आपको एक सॉन्ग सुनाने वाला हूँ, LV the bag. She doesn't need no Gucci, no LV the bag. तो इसका फुल फॉर्म होता है लुई विटों, राइट, लुई विटों। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इसके बैग्स होते हैं, राइट। इसके जो बैग्स हैं मतलब लाखों में होते हैं, 1 लाख या 4 लाख, बहुत ही एक्सपेंसिव बैग है। तो ये ब्रांड ओरिजिन है फ्रेंच का और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये बैग इसके लिए भी एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये वाटरप्रूफ होते हैं और फायरप्रूफ होते हैं, मतलब इन बैग्स में ना आग लगती है और ना इनमें पानी जाता है, ये वाटरप्रूफ एंड फायरप्रूफ हैं। तो इसको आप प्रोनाउंस करेंगे लुई विटों, राइट, लुई विटों, लुई विटों, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा है। तो नेक्स्ट ब्रांड की बात करते हैं, वो है एरमेज, राइट, एरमेज। देखिए AER, मतलब इसमें H जो है वो तो है ही नहीं, समझिए हट गया है, और इसको आप बोलेंगे Hermes, और लास्ट में इसमें Z का साउंड जरूर आना चाहिए, तभी मैंने इसका हिंदी प्रोनंसिएशन नहीं लिखा है। तो ये जो ब्रांड है बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी परफ्यूम, ज्वेलरी और वॉचेस के लिए, राइट, और बैग्स भी इसके आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है ये ब्रांड भी, राइट। तो आप इसको प्रोनाउंस करेंगे Hermes। नेक्स्ट ब्रांड की बात करते हैं मैंगो। अगर आप भी मिंत्रा में शॉपिंग करते हैं तो आपने ये ब्रांड देखा होगा, मैंगो मैन, राइट। तो इसका एक्चुअल प्रोनंसिएशन होता है मैंगो, ब्रांड स्पेनिश का है, मैंगो, राइट। आप इसको हिंदी से भी पढ़ सकते हैं मैंगो, ठीक है, बहुत इजी है, स्पेनिश है। इसके लिए थोड़ा सा ये जो ईंग है ना, ये जो ई है इसमें, इसका जो साउंड है ये अलग से इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये ब्रांड का एक्चुअल नेम प्रोनाउंस किया जाएगा, मैंगो, राइट।
नेक्स्ट ब्रांड की बात करते हैं वैन यूजेन। तो आपने ये ब्रांड भी मिंत्रा में बहुत ज़्यादा देखा होगा, मिंत्रा और अमेजोन में। इसकी जीन्स और वॉलेट, बेल्ट, टाई, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राइट। तो इसका एक्चुअल प्रोनंसिएशन होता है वैन यूजेन, राइट, वैन यूजेन। तो इसमें भी एच जो है बिल्कुल साइलेंट है, वो उनकी कंट्री के हिसाब से वो उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो आप बोलेंगे वैन यूजेन, राइट। ब्रांड्स का एक्चुअल नेम उनकी एक्चुअल कंट्री के हिसाब से बोला जाता है, तो हमें भी वही नेम बोलना चाहिए, राइट। तो आप इसको बोलेंगे वैन यूजेन, राइट। नेक्स्ट ब्रांड की बात करते हैं, ये ब्रांड तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे, लेकिन इस ब्रांड को इंडिया में इसको बहुत ज्यादा लोग एडिडास बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा गलत होता है। इसको आप प्रोनाउंस करेंगे अडिडास आप बोल सकते हैं, लेकिन एडिडास, राइट, इसको आप बोलेंगे सिंपल अडिडास या अडिडास। तो अडिडास बोलेंगे तो ये अमेरिकन में बोला जाता है, अगर आप जर्मनी की लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो अडिडास आप बोल सकते हैं। तो एक्चुअल तो होता है अडिडास, लेकिन आप इसको अडिडास भी बोल सकते हैं। सो बोथ प्रोनंसिएशन आर ट्रू, राइट। तो आप इसको अडिडास या अडिडास कुछ ही बोल सकते हैं, लेकिन एडिडास तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सो नेक्स्ट ब्रांड की बात करते हैं रिबॉक। बहुत ज़्यादा फेमस है रिबॉक, लेकिन इसको रिबॉक बोला जाता है इंडिया में, जो कि होता है गलत। आप इसको बोलेंगे रिबॉक, राइट, रिबॉक। यूनाइटेड किंगडम रनिंग शूज एंड क्रॉसफिट स्पोर्ट्स वियर इंक्लूडिंग क्लॉथिंग एंड फुटवियर, सब कुछ बनाता है, राइट। आपने बहुत ज़्यादा देखा हुआ, इसके बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो बहुत ही ईजी है रिबॉक, राइट, रिबॉक। बॉक नहीं बोलेंगे, बॉक गलत हो जाएगा, रिबॉक, राइट, ईजी है। नेक्स्ट ब्रांड की बात करते हैं, ये कार का ब्रांड है, इसको बोला जाएगा वॉक्सवैगन, राइट। तो ये जो ब्रांड है जर्मनी का है, राइट, तो इसका लोगो होता है ऐसा W बना होता है, वॉक्सवैगन। नेक्स्ट ब्रांड की बात करते हैं रेनॉल्ट। जी नहीं, इसको आप पढ़ेंगे रेनो। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वॉचेस के ऊपर, कार्स के ऊपर एंड टेक्निकल जो ब्रांड्स होते हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को बताइए। तो इसको आप बोलते हैं रेनो, राइट। तो इस वीडियो में हमने जो जो पढ़ा, इस लेसन में हमने जो जो पढ़ा, समरी ऑफ द लेसन हम बात करेंगे। पहला वर्ड था गुची, सेकेंड इज DNG, डॉल्चे एंड गब्बाना, नेक्स्ट था टॉमी हिल्फिगर, नेक्स्ट था वर्साची, उसके बाद हमने पढ़ा शैनल, नेक्स्ट हमने पढ़ा लुई वित्तों, उसके बाद था एरमेज, फिर हमने पढ़ा मैंगो, जो ई का साउंड है इसको आपने नहीं भूलना है, मैंगो, उसके बाद था वैन यू जेन, उसके बाद हमने पढ़ा था अडिडास या अडिडास, राइट, अमेरिकन में अडिडास या जर्मन में अडिडास। तो आप इससे भी आपको कोई मतलब नहीं, आप इसको सिंपल सा अडिडास बोल सकते हैं, ज़्यादा अलग बोलेंगे तो वो भी थोड़ा वल्गर लगेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिबॉक, राइट, उसके बाद था वॉक्सवैगन एंड देन लास्ट वन इज रेनो। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे ये सब कुछ ब्रांड्स जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और हमें नहीं पता था इनके बारे में कि इनका एक्चुअल प्रोनंसिएशन क्या होता है। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।